वेलकम टू फिल्मी पॉइंट। दोस्तों हम आज एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आने वाली हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हॉलीवुड की सारी फिल्मों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हमने इस वीडियो में अपकमिंग वेब सीरीज़ को भी कवर कर लिया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें पूरी जानकारी के लिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना के टाइम ख़राब। नंबर एक पर है ब्रह्मास्त्र, जो कि एक अपकमिंग इंडियन लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और इसके साथ साथ आपको शाहरुख खान भी कैमियो करते हुए इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और दोस्तों इस फिल्म का बजट 350 करोड़ के पार बताया जा रहा है और ये फिल्म 9 सितंबर से हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। नंबर दो पर है विक्रम वेदा, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म रिमेक है 2017 में आई तमिल फिल्म विक्रम वेदा की, जिसकी लीड में थे आर माधवन और विजय सेतुपति। और दोस्तों 2022 वाली विक्रम वेदा में आपको देखने को मिल जाएंगे ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और दोस्तों फिल्म का बजट 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और ये फिल्म 30 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर तीन पर है PS1, जो कि एक तमिल लैंग्वेज पीरियड ड्रामा फिल्म है और फिल्म में लीड कास्ट में नजर आएंगे विक्रम, ऐश्वर्या राय और दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ बताया जा रहा है, यानी ये फिल्म KGF 2 और पुष्पा जैसी फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और दोस्तों ये फिल्म भी 30 सितंबर को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नंबर फोर पर है धोखा राउंड द कॉर्नर, जो कि एक इंडियन लैंग्वेज सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसकी लीड में नजर आएंगे आर माधवन, दर्शन कुमार और दोस्तों ये फिल्म 23 सितंबर को थिएटर में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नंबर पाँच पर है रावणासुर, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म में देखने को मिलेंगे रवि तेजा, सुशांत और मेघा आकाश और दोस्तों ये फिल्म 30 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। दोस्तों नंबर छः पर है गॉडफादर, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे चिरंजीवी, सलमान खान, इंद्रजीत सुकमरन और दोस्तों इस फिल्म का बजट 260 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और दोस्तों ये फिल्म भी 30 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर सात पर है बबली बाउंसर, जो कि एक अपकमिंग इंडियन लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है। लीड रोल में नजर आएंगी तमन्ना भाटिया और दोस्तों ये फिल्म 23 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। आठवीं फिल्म है रंगा रंगा वैभव वंगा, जो कि एक ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म 2 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नौवीं फिल्म है प्रेम गीत, जो कि एक नेपाली लैंग्वेज रोमांटिक फिल्म है और ये फिल्म सिक्वल है प्रेम गीत की और फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे प्रदीप खांडका और ये फिल्म 23 सितंबर को हिंदी और नेपाली लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। नंबर 10 पर है कैप्टन, जो कि एक अपकमिंग तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। लीड रोल में नजर आएंगे आर्यन और ऐश्वर्या लक्ष्मी और दोस्तों ये फिल्म 8 सितंबर से थिएटर में रिलीज की जाएगी। 11वें नंबर पर है रिसोर्स, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज थ्रिलर फिल्म है। लीड रोल में देखने को मिलेंगे मम्मूटी और ये फिल्म 29 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। 12वें नंबर पर है पुश इन बूस्ट द लास्ट विश, जो कि एक अमेरिकन कॉमेडी एनिमेटेड फिल्म है और ये फिल्म 23 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। नंबर 13 पर है भोला शंकर, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन फिल्म है और ये फिल्म सिक्वल है 2015 में आई फिल्म वेडालम की और दोस्तों फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे चिरंजीवी, कीर्ति सुरेश और ये फिल्म 10 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर 14 पर है मॉन्स्टर, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। लीड रोल में नजर आएंगे मोहनलाल और ये फिल्म 30 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर 15 पर है गोल्ड, जो कि एक अपकमिंग मलयालम लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है। लीड रोल में नजर आएंगे पृथ्वीराज सुकमरन और दोस्तों ये फिल्म 2 सितंबर से थिएटर में सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। नंबर 16 पर है मिडिल क्लास लव, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म 16 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर 17 पर है सरोज का रिश्ता, जो कि एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया
दिया गया है और फिल्म का ट्रीजर काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये फिल्म भी 16 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर 18 पर है मोदी जी की बेटी, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे तरुण खन्ना, आदित्य यादव, अवनी मोदी और ये फिल्म 16 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर 19 पर है इंडियन प्रेडिक्टर का सेकंड पार्ट, जिसका टाइटल है इंडियन प्रेडिक्टर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। और दोस्तों पार्ट 2 आपको 7 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 20 पर है सिया, जो कि एक अपकमिंग सोशल ड्रामा फिल्म है और फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे विनीत कुमार, पूजा पांडे और ये फिल्म भी 16 सितंबर को थिएटर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। नंबर 21 पर है जहां चार यार, जो कि एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म और ये फिल्म भी 16 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। नंबर 22 पर है लव यू लोकतंत्र, जो कि एक अपकमिंग ड्रामा फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे कृष्णा, अभिषेक, अली असगर, सपना चौधरी और मनोज जोशी और ये फिल्म भी 2 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। दोस्तों ये थी हिंदी फिल्में और अब बात करते हैं पंजाबी फिल्मों की जो रिलीज हो रही है सितंबर 2022 में। दोस्तों पहले नंबर पर है यार मेरा तितलियां वर्गा, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में देखने को मिलेंगे गिप्पी गरेवाल और उनका साथ निभाती नजर आएंगी तन्नू गरेवाल। और दोस्तों इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। और दोस्तों ये फिल्म 2 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। सेकंड फिल्म है बैच 2013, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मोटिवेशनल फिल्म है, जिसकी लीड में नजर आएंगे हरदीप गरेवाल। और दोस्तों ये फिल्म 9 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। तीसरे नंबर पर है तेरी मेरी गल बन गई, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसकी लीड में नजर आएंगे अखिल और रुबीना बाजवा। और दोस्तों ये फिल्म 9 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। चौथे नंबर पर है मोह, जो कि एक मोस्ट अवेटेड पंजाबी फिल्म है और जिसको डायरेक्ट किया है जगदीप सिद्धू ने। और दोस्तों फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे गीताज बिंद्रखिया और सरगुन मेहता। और दोस्तों ये फिल्म 16 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। पांचवें नंबर पर है मसंद, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी लीड में नजर आएंगे रब्बी कंडोला, निशवन भुल्लर और आरपी सिंह। और दोस्तों ये फिल्म 16 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। छह नंबर पर है मां दा लाडला, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और जिसकी लीड में नजर आएंगे तरसेम जसन और नीरू बाजवा। और दोस्तों ये फिल्म भी 16 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। और दोस्तों इसका ऑफिशियल ट्रेलर आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। सातवें नंबर पर है परौना 2, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म सिक्वल है परौना की। और दोस्तों फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे रंजीत बावा और अदिति शर्मा। और दोस्तों ये फिल्म 23 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। आठवें नंबर पर है क्रिमिनल, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे नीरू बाजवा, प्रिंस कंवलजीत सिंह और धीरज कुमार। और दोस्तों ये फिल्म 23 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। और दोस्तों लास्ट फिल्म है नौवें नंबर पर बाबे पंगड़ा पौंदे ने, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और जिसकी लीड में नजर आएंगे दलजीत दोसांझ, सरगुन मेहता और ये फिल्म 30 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। और दोस्तों बात करते हैं उन वेब सीरीजों की जो रिलीज हो रही है सितंबर 2022 में। तो पहली वेब सीरीज है द लॉर्ड ऑफ रिंग द रिंग ऑफ पावर, जो कि एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। सीरीज के सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और सीजन 1 आपको 2 सितंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। सेकंड सीरीज है स्टार वार एंडोर, जो कि एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज है और ये सीरीज आपको 21 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसके पहले 3 एपिसोड 21 सितंबर को रिलीज किए जाएंगे। नंबर 3 पर है कोबरा काई का सीजन 5, जो आपको टोटल 6 एपिसोड के साथ 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 पर है मोर्टल कॉम्बैक्ट, दोस्तों मोर्टल कॉम्बैक्ट आपको 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 पर है द इम्परफेक्ट, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है और ये सीरीज 8 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको इन फिल्मों और वेब सीरीजों में से किन किन फिल्मों और वेब सीरीजों का सबसे ज़्यादा इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।